रोपेल बस स्टैंड के पास बीती देर शाम एक मारुति को वैन में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते मारुति वैन पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। आग लगने से एक 3 वर्षीय मासूम और 2 अन्य के झुलसने की खबर भी सामने आई। घटना शनिवार देर शाम की है। बेवर कस्बे के बस स्टैंड चौराहे पर एक मारुति ईगो में अचानक आग लग गई। यहां आग लगने से हडकंप मच गया, जिसमें स्वदेश पुत्र सुगर सिंह निवासी बड़ाहार का 3 वर्षीय मासूम पुत्र झुलसने से घायल हो गया। साथ ही 2 महिलाएं भी आंशिक रूप से झुलस गई हैं। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल उपचार के लिए भिजवाया है। बस स्टैंड चौराहे पर शाम के समय सवारियों की खासी भीड़ रहती है, तभी यहां एक ईगो वैन में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी वैन आग का गोला बन गई। गाड़ी में बहकर आग लगती देख वहां भगदड़ मच गई। आनंद फानन में यहां पिकेट पर तैनात पुलिस ने अतिरिक्त फोर्स बुला लिया और NH-91 के साथ इटावा फरुखाबाद मार्ग को दोनों तरफ से रोककर फायर ब्रिगेड को तत्काल मौके पर बुलाया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जब तक आग शांत होती तब तक ये कुबैन गाड़ी संख्या UP-84AE-1978-0 पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि वाहन में लगी LPG गैस की वजह से हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।